तो देखो ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वेश्चंस जो है बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है थोड़े से टफ हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हू स्क्वायर इज 290। कह रहा दो कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार एक के बाद एक आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालो जिनके स्क्वायर का सम 290 आता हो, ठीक है। कितना आता हो? 290। तो देखो करना क्या है बेसिकली हमको यहाँ पे, ठीक है, क्या करना है बेसिकली देखो कि लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी बेटा एक एक्स एंड दूसरा, अगर मान लो एक ऑड नंबर 3 है तो अगला ऑड नंबर 5 होगा जो उससे 2 बाद होगा, 2 नंबर बाद, यानी एक्स प्लस टू, ठीक है। अगर मान लो हमारा एक ऑड नंबर 5 है तो अगला 7 होगा उससे 2 ज्यादा, ठीक है। तो जब भी ऑड आए तो बेसिकली बच्चे गलती क्या करते हैं, एक को एक्स मान लेते हैं और एक को एक्स प्लस वन। नहीं भाई, अगर एक 5 है और 5 में प्लस वन करोगे 6 आएगा, नहीं, 5 प्लस 2 करना है तब 7 आएगा। ऐसे अगर टू कॉन्सिक्यूटिव इवन होता तो भी यू हैव टू डू द सेम थिंग, आपको तो भी सेम चीज ही करनी थी, एक को एक्स और उसके आगे वाले को x+2, ठीक है। तो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि हमको x का स्क्वायर और x+2 का होल स्क्वायर करना, और ये आएगा 290। कितना आएगा? 290। तो देखो x² + 4x + 4 इज इक्वल टू बेटा 290। तो देखो 2x² + 4x + 4 - 290 = 0। तो 2x² + 4x - 286 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा 2 कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद उस तरफ भेजकर ये आ रहा है। अब इसके अपन को करने हैं मिडिल टर्म, ठीक है। इसके अपन को क्या करने हैं बच्चों, मिडिल टर्म। तो देखो बेटा x² 13 में से जब 11 माइनस करते हैं तो 2 आता है, 13 11 जब 143 आता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ से x कॉमन ले लिया x+13, यहाँ से -11 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी x+13 = 0, ठीक है। फिर से x+13 कॉमन ले लिया, यहाँ x - = 0, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -13 और x की वैल्यू बेटा आएगी 11, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजेक्टेड एज रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर पॉजिटिव, क्योंकि जो इंटीजर चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो एक एक्स था, अगला हमारा क्या है, x+2 भी तो निकालना है, 11 + 2 = 13। तो द टू रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, पहले 11 लिखेंगे एंड उसके बाद वाला फिर 13 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये क्वेश्चन। तो देखो बेटा
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसकी ब्रेथ उसकी लेंथ से 3 कम है। तो हिंट यहां दी है ब्रेथ की, तो एक्स मानेंगे लेंथ को। इज से पहले वाले की हिंट दी हुई होती है तो इज के बाद वाले को एक्स लिया जाता है। तुम्हें सिंपल करने के लिए बताया था। कह रहा है कि अब ये जो रेक्टेंगुलर पार्क आप बनाओगे, लो मैंने बना दिया रेक्टेंगुलर पार्क बच्चों, यहाँ पे ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर पार्क, जस्ट अ मिनट। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। अच्छा जस्ट अ मिनट, ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क के ऊपर क्या किया है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद इट्स बेस। कह रहा जो ट्रायंगल तो बनाओगे उसका बेस एज द ब्रेथ, उसका बेस क्या है हमारा, उसका जो बेस है बेस, ठीक है, उसका जो बेस है ना, उस ट्रायंगल का बेस क्या होगा हमारे इस रेक्टेंगल का ब्रेथ, यानी कि ये चीज ये ब्रेथ के ऊपर बनाया गया उसको, ठीक है। तो अगर हमारी लेंथ x है तो बेटा जो उसका ब्रेथ है वो x माइनस 3 होगा ना, 3 कम है, और यही इस आइसोसेलस ट्रायंगल का जो क्या बोलते हैं बेस बनेगा, ये ब्रेथ जो है x माइनस 3 वो बेस बनेगी इस आइसोसेलस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो 12 मीटर होगा, ठीक है। तो समझ लो यहाँ क्या करना है, देखेंगे कि लेट द लेंथ बी एक्स, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर, तो ब्रेथ आ जाएगी बेटा, देखो ब्रेथ, ब्रेथ क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी आपकी 3 कम है एक्स माइनस 3 मीटर, और बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल वो किसके बराबर था ब्रेथ के, यानी वो भी एक्स माइनस 3 मीटर। अब ये कह रहा है कि जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर पार्क इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया में, दोनों के एरिया में कितना फर्क है, 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब रेक्टेंगल का एरिया 4 ज्यादा है ट्रायंगल के एरिया से, मतलब दोनों को माइनस कर लो आंसर 4 आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो आप बोलोगे सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बराबर कितना 4। तो लेंथ, लेंथ कितना है हमारा बेटा, लेंथ है अपना x, ब्रेथ कितना है x माइनस 3, माइनस हाफ इनटू बेस कितना है गाइस, सो आवर बेस इज x माइनस 3 इनटू हाइट 12 गया, पंजा सिक्सा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, पुट इट इन अ ब्रैकेट माइनस 6 x माइनस 3 इक्वल टू 4, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 18 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों 7 प्लस 2 इज 9 एंड 7 टू जा 14, चलो x square minus 7 plus 2x plus 14 equal to 0,
तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस टू एक्स प्लस 14 बराबर जीरो। तो एक्स एक्स माइनस सेवन माइनस टू कॉमन, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। तो एक बार एक्स माइनस सेवन लिया जाएगा और एक बार एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक बार एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो और एक बार एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो बच्चों एक बार x की वैल्यू आएगी 7 मीटर पॉजिटिव है, कंसीडर की जा सकती है। एक बार x की वैल्यू आएगी 2 मीटर पॉजिटिव है, कंसीडर की जा सकती है। तो ये हमारा लेंथ बनता हुआ दिख रहा है, ये भी लेंथ बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि x को लेंथ को माना था। अब यहाँ से ब्रेथ निकाल लूँ मैं, ब्रेथ तो जो ब्रेथ थी ना आपकी वो 3 कम थी, तो 7 माइनस 3 4 मीटर। ठीक है भाई, चल जाएगा। यहाँ पे ब्रेथ निकालू 2 माइनस 3 माइनस 1 मीटर रिजेक्टेड एज लेंथ कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि लेंथ कभी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारी लेंथ कितनी है 7 मीटर और ब्रेथ कितनी है 4 मीटर। तो देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular park are 7 meter and 4 meter respectively. I hope ये क्वेश्चन भी पल्ले पड़ गया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि अगर हम रहमान की 3 साल पहले वाली एज निकाले और उसकी 5 साल बाद वाली एज निकाले और दोनों का रेसिप्रोकल कर दें और फिर दोनों को प्लस करें तो 1/3 आता है। तो बताओ रहमान की प्रेजेंट एज क्या है। तो मैंने मान लिया कि रहमान की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स। तो देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स। तो अब 3 ईयर्स अगो ये एक्स माइनस 3 रही होगी बेटा ईयर्स में, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद वो x प्लस 5 ईयर्स रही होगी, है ना। तो अब कह रहा है इन दोनों एज का रेसिप्रोकल कर लो, मतलब ये और ये, और कह रहा है रेसिप्रोकल कर के दोनों को प्लस कर लो यानी ये। ऐसा सब करने पे आपको आंसर 1/3 मिलेगा, ऐसा सब करने पे यू विल गेट व्हाट 1/3। तो हम आगे समझते हैं उसको, आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 x प्लस 5 अब इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे 2x प्लस 2, ठीक, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15। इसमें x प्लस है, x प्लस भी वाली आइडेंटिटी लगाकर मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू 1/3, अभी नीचे का 3 उधर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 1 की तरफ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम्स 2x प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो अब हमारे ये जो 3 है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0,
तो यहां से बच्चों हम करेंगे क्या, देखो ये मेरा x स्क्वायर ऐसे रहने देंगे और 7 में से 3 जाता है तो 4 आता है और 7 3 जा 21। तो देखो बेटा x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो xx माइनस 7 प्लस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0, बेटा x माइनस 7 फिर से कॉमन लेंगे और x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू 7 आएगी और एक बार x की वैल्यू माइनस 3 आएगी, तो इसको हम रिजेक्ट मारेंगे क्योंकि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नेवर बी 0 नेगेटिव। तो जो प्रेजेंट एज है वो रहमान की वो 7 इयर्स है। द रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 इयर्स। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखो हमारा अगला सवाल क्या है कि क्लास टेस्ट में जो शैफाली के मार्क्स हैं मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों का सम किया जाए, यानी दोनों को प्लस किया जाए तो 30 आता है, और अब एक कंडीशन रखी गई है कि अगर उसे मैथ्स में दो नंबर और मिल जाते और उसके इंग्लिश में तीन नंबर कम हो जाते और फिर इन नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते, दो बढ़ाकर तीन घटाकर मल्टीप्लाई करते तो 210 आता, 210 आता, तो बताओ कि उसके दो सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उन मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग वेरिएबल से डिनोट कर दो। मैंने कहा लेट द मार्क्स इन मैथ्स B x and marks in English B y। तो हमें सबसे पहले क्या बोला, दोनों को प्लस करो, यानी x प्लस y तो 30 आता है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा 30 माइनस x। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x होंगे। अब यहां एक चीज और बोली है, टू मोर इन मैथ्स, मैथ्स में दो और ज्यादा देने हैं, यानी पहले एक्स थे दो और ऐड कर दो, थ्री लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में बेटा पहले थे वाई, उसमें से तीन और कम करने हैं, वाई की वैल्यू 30 माइनस एक्स है, उसमें से तीन और कम करना है तो 27 माइनस एक्स, ये इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। अब कह रहा है इन दोनों मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 और 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। तो बेटा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे गाइस, सो ये बनेगी 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो 27 में से पहले तो 2x निकाल दिया, 25x माइनस x स्क्वायर 210 माइनस 54। ये आता है माइनस 156। अब दोनों उधर ले चलो भाई, कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। अच्छा प्लस का आएगा, हाँ प्लस 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 का आएगा, ठीक है प्लस का 156 आएगा, 210 में से 54 माइनस होगा। तो देखो बेटा इधर, हेलो 13 प्लस 12 25 आता है, 13 12 जा 156 आता है,
एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स माइनस 13 माइनस 12 कॉमन एक्स माइनस 13 इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू 13 यानी मैथ्स में 13 नंबर आए हैं। x की वैल्यू यहाँ भी 12 प्लस की मैथ्स में 12 नंबर आए हैं, है ना। तो अब इंग्लिश के निकालो दोनों में, क्या पता कोई रिजेक्ट हो जाए। तो 30 माइनस 13 17 इंग्लिश में आए हैं और 30 माइनस 12 18 इंग्लिश में आए हैं। देखा जाए तो सच ही आए हैं, इंग्लिश में ज़्यादा ही आएंगे ऑब्वियसली मैथ्स से। तो यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश कैन बी 13 and 17 और 12 and 18 रिस्पेक्टिवली। या तो ये वाला पेयर हो सकता है या वो ये वाला पेयर हो सकता है, ठीक है। इसमें पहला नंबर जो है हमेशा मैथ्स को, दूसरा वाला हमेशा इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है, द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, बाकी दुनियादारी बाद में, पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ये और ये रहा डायगनल, ये उसको नाम दे दिया ए बी सी डी। मुझे पता है राइट एंगल होता है एक एक, एक एक क्या सारी राइट एंगल है। तो अब क्या कह रहा है, द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, यानी डायगनल की हिंट दी है, 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो डायग्राम के हिसाब से मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटी साइड तो आप कहोगे सर बी सी या फिर ए डी। तो इस शॉर्टर साइड को एक्स मान लेते हैं। ये जो डायगनल है ए सी से 60 ज्यादा, यानी एक्स प्लस 60 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आगे, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, लॉन्गर साइड शॉर्टर से यानी x से 30 ज्यादा है, यानी x प्लस 30 मीटर है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमें फील्ड की साइड्स निकालनी है। तो देखिए बेटा, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। तो डायगनल आएगा मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड आएगी, लॉन्गर साइड वो x प्लस 30 मीटर आएगी। अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना ए बी सी, तो इन इन राइट ट्राइंगल, अभी राइट लिखना था बेटा, देखो यहाँ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जो ए सी का स्क्वायर होगा यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखो बच्चों, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो इसको खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, इधर x स्क्वायर प्लस, पहले तो पहला x स्क्वायर, फिर देखो ब्रैकेट वाला x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इक्वल टू जीरो। अभी इससे ये गायब, तो अब क्या बचता है, x स्क्वायर प्लस 60x, उसमें से 120x माइनस करेंगे और प्लस के 900 में से 3600 भी माइनस करके इक्वल टू जीरो लाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा जी, x स्क्वायर है माइनस 60x माइनस 2700 बराबर जीरो,
देखो बच्चों, 90 में से 30 जाएगा, 60 आएगा, और 90 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। क्लियर है ना? तो देखो बेटा, पहले वाले में से x कॉमन ले लिया x माइनस 90, दूसरे वाले में से 30 कॉमन ले लिया x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 दो बार आ लिया, एक बार और ले लेंगे, फिर एक बार बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। तो बेटा एक बार x माइनस 90 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बार x की वैल्यू प्लस का 90 आ जाएगी और एक बार माइनस 30। रिजेक्ट मारेंगे क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती। रिजेक्टेड एज साइड कैन नेवर बी जीरो। तो x जो हमारी शॉर्टर साइड है, तो देखो बेटा यहाँ पे शॉर्टर साइड जो मेरी थी वो आ गई 90 मीटर। डायगनल जो था मेरा वो 90 प्लस 60 150 मीटर, और जो मेरी लॉन्गर साइड थी ना बच्चों, लॉन्गर साइड वो 90 प्लस 30 थी, यानी 120 मीटर। तो ये मेरे तीनों आंसर हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। टू मोर क्वेश्चन टू गो एंड उसके बाद हमारा, मेरी तरफ से ये चैप्टर पूर्णतः खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है?